हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulagri.com। इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एएफओ की जो कि एलाइड सेक्टर से थे, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डेयरी साइंस में कंप्लीट की और 2018 में फ्रेशर थे, 2018 में ही कंप्लीट की और पहले ही साल में पीएनबी में सिलेक्ट हुए। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा मोहन लाल बाना जी का। मोहन लाल बाना, आपका gurukulagri.com पे हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मोहन लाल बाना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माई सेल्फ मोहन लाल बाना, आई बिलोंग टू जयपुर। आई एम कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2018 इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो आपने जो ग्रेजुएशन है 2018 में ही कम्प्लीट की है। yes, sir. तो आपने इसकी जो एएफओ की प्रिपरेशन थी वो कब शुरू की? सर मैंने 19 जुलाई से स्टार्ट की थी। कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया तो उस पर रिजाइन देने के बाद मैंने 19 जुलाई। अच्छा, आपने प्राइवेट कंपनी में रिजाइन डाल के 19 जुलाई से प्रिपरेशन शुरू की, स्टार्ट की? यस सर। ओके, ठीक है। तो इसका जैसे आपका बेस तो था नहीं, ठीक है, तो आपका जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी की बात कर ली जाए, सोयल साइंस की बात कर ली जाए, तो ऐसे सब्जेक्ट में जब आपकी कमांड ही नहीं थी तो आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग या कुछ ऐसा, क्या मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? सर मैंने कोचिंग तो ली नहीं थी ऑफलाइन, लेकिन मेरा एक था कि एनिमल हस्बेंड्री में हमारे कोर्स में चलता था, तो वो मेरी पढ़ी हुई थी, तो मेरा उससे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अपना एक सब्जेक्ट एक तो आता है, एक तो आता है। ठीक है, ये था सर। ठीक है, और बुक किससे किया मैंने? ओके, और फिर आपके नोट्स ले लिए मैंने। ओके 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 ओके। gurukulagri.com को कब ज्वाइन किया था आपने? नवंबर में सर। नवंबर में, मतलब ठीक है, नवंबर दिसंबर और जनवरी, तीन महीने, वही आपका 3 महीने में हो गया। ठीक है, मोहनलाल बाना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप फ्रेशर हो, तो एक एलाइड सेक्टर्स भी थे, फ्रेशर भी थे, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं एक एक्सपीरियंस पर्सन में और एक एएफओ का एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्या मेरा क्लियर, क्या मतलब कुछ ऐसा माहौल था? थोड़ा वो तो डर लगता है सर, लेकिन फिर मेरे को विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि अपन करेंगे तो बेटर कर सकते हैं, टाइम था थोड़ा। अच्छा, कुछ मतलब ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन मिले जिन्होंने नेगेटिव थॉट बोले होंगे? सर थे कुछ जो एग्जाम भी नहीं दिया था एफओ का मेंस, और वो बोल रहे थे कि ये हार्ड है ऐसे, तो मैंने उन पे विश्वास नहीं किया और मेरी मेहनत पे विश्वास किया मैंने सर। ठीक है, तो आप कुछ ग्रुप डिस्कशन वगैरह कुछ करते थे? नहीं सर, ग्रुप डिस्कशन नहीं करता था मैं। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटजी यही रही कि आप अपना सेल्फ स्टडी की? यस सर। तो मोहनलाल, आपको gurukulagri.com का पता कैसे चला? मतलब सर मैं यूट्यूब पे क्विज देखी थी पहले आपकी। अच्छा, और फिर उतने में आरआरबी एसओ का एग्जाम भी हो गया था, तो 21 क्वेश्चन आए थे 40 क्वेश्चन में से आपके gurukulagri.com के, तो फिर मैंने विश्वास हो गया, विश्वास किया और फिर मैंने परचेज कर लिया सर। ठीक है, बात उसके बाद आपने सारे मॉड्यूल पढ़े या कुछ मॉड्यूल पढ़े? नहीं सर, मैंने सारे मॉड्यूल पढ़े और फिर आपने मेन मेन बताया था ना, वो पढ़े, उनको ज्यादा फोकस किया, उन मॉड्यूल्स में उनको ज्यादा फोकस किया। ठीक है, ठीक है। मोहनलाल, जैसे ही आपने मेंस मतलब आपने तैयारी, आप बोल रहे हो कि मैंने सेल्फ स्टडी किया, क्या प्री की भी आपने भी कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी थी? नहीं सर, प्री की मैंने सेल्फ स्टडी की, बस इंग्लिश के लिए द एडिटोरियल पढ़ता था, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ता था। अरे वाह, तो उसके लिए थोड़ा आप बताएंगे, रीजनिंग मतलब आपने ऑनलाइन किया, मतलब सब कुछ आप बता रहे हो? हाँ, ऑनलाइन देखा था। मैथ्स में मेन चीज होता है कि आप सिंप्लीफिकेशन कर लो और डीआई कर लो, उसमें आपका प्री निकल जाएगा, और रीजनिंग में सिलॉग्स कर लो और इनइक्वालिटी कर लो, आपका निकल जाएगा प्री। और इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए वो के याद करो और रीडिंग करो, दैन न्यूज पेपर लगा लो, दैन न्यूज पेपर या कोई सा भी न्यूज पेपर लगा लो, उसकी रीडिंग करो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने हर पहले भी हम हर एक कैंडिडेट जो भी हमें फोन करता है, व्हाट्सएप के ऊपर कोई क्वेरी डालता है कि इंग्लिश के सेक्शन को कैसे क्लियर करें, तो इंग्लिश मैं आपको पहले बोलता हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 1 से 2 या 3 महीने में आने वाला नहीं है, तो ये कम से कम 6 महीने में आपको आने वाला सब्जेक्ट है, और आपको डेली कंस्टेंटली द हिंदू का एडिटोरियल कर लो, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो टाइम्स ऑफ इंडिया से कर सकते हो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो इंग्लिश है वो लेवल थोड़ा सा इजी होता है, तो अगर आप स्टार्टिंग टाइम्स ऑफ इंडिया से करोगे, फिर इंडियन एक्सप्रेस पे और फिर द हिंदू पे, तो अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप 6 महीने इंग्लिश को पढ़ोगे फिर जाके आपकी कमांड बनेगी। ग्रामर वगैरह आपने की थी? ग्रामर वगैरह कुछ नहीं सर, ग्रामर थोड़ा बहुत किया था, लेकिन फिर मेरे को पता चल गया कि बैंक का एग्जाम है तो ग्रामर तो उतना आ नहीं सकता, अपने तो वोके पे फोकस करो मैं, क्योंकि ग्रामर में तो ये ना कि आपका क्वेश्चन राइट हो या नहीं हो इसके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इरर आता भी है ना, तो सर बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट लेवल, वो भी आता है कि इनमें से 2 सही है या 2 गलत है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, और टाइम भी नहीं था सर, टाइम भी नहीं था, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो अगर आपको आ गया, मतलब उसको कॉम्प्रिहेंड करना आ गया, अगर आपको एडिटोरियल का पता चल गया कि इसकी टोन क्या थी या इसमें ये कहना क्या चाहता है, अगर आपको ये चल गया तो आप 10 में से इजिली 4 तो 6 मार्क्स आप इजिली उसमें गेन कर सकते हो।
और मेरे ख्याल से जो उसमें वकैब आती है वो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो वकैब होती है जो प्री के एग्जाम में इंग्लिश में आती है वो इजी आती है टफ आती है? सर वोकैब तो इजी आती है लेकिन कंफ्यूज वाली आती है। कंफ्यूज उसमें क्या दे पूछ रखा है उसका मीन्स, यानी कि जो अपने पैराग्राफ आया ना, रीडिंग कॉन्फ्रेंस आया ना, उसमें उसका मतलब क्या है, उसका सिमिलर मतलब दे रखा है जैसे अदर बिलोंग करता है, लेकिन उसमें अपन को देखना कि पैराग्राफ में क्या बोल रहा था वो। मैं भी सभी को ये बोलता हूँ कि जो एग्जाम में जो वकैब आती है वो इतनी इजी होती है कि आपको उसका मीनिंग पता होता है, पर उसका मीनिंग आपको उसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग बताना होता है, इसमें इसका मीनिंग क्या है। तो इतनी इजी वकैब मतलब जो आती है उसको भी कई कैंडिडेट गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में जो उसका मीनिंग है हम वो नहीं मिलता है, जल्दीबाजी के चक्कर में कर देते हैं वो गलत। हाँ, जल्दीबाजी के चक्कर में कर जाते हैं। तो मोहनलाल आपके मेंस में मार्क्स कितने हैं? सर मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरा टारगेट था कि 30 क्वेश्चन करेक्ट करना। अच्छा। और मैंने 29.5 क्वेश्चन करेक्ट कर दिया मेंस में। जितना टारगेट लेके चले थे उतना लगभग लगभग पहुंच गए सर। लगभग पहुंच गए थे। तो आपके इंटरव्यू में मार्क्स कितने थे? मेरे इंटरव्यू में सर 14 मार्क्स थे। 14 मार्क्स ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में कोई एक आधे पूछे गए तो थोड़ा शेयर कीजिए आप। इंटरव्यू में मेनली मेरे से मेरी डिग्री के रिलेटेड पूछा था, डेयरी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बने थे, और मेरी इंटर्नशिप हुई थी 6 महीने की तो उसके बारे में पूछ लेती आपने प्लांट में क्या क्या किया था। एक दो करंट का भी क्वेश्चन था कि रोबोट वाड्रा कौन है, इसके बारे में आप क्या जानते हो, और एक ह्यूमन एम्पावरमेंट के बारे में एक क्वेश्चन था सर। कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन था कुछ ऐसा जो आपको याद हो कि ऐसा जहां पे आपको लगा हो कि इसका? एक क्वेश्चन था उनका कि सर हम आप तो डेयरी टेक्नोलॉजी से हो और बच्चे एग्रीकल्चर से बहुत है तो आपको ही क्यों ले। अच्छा, क्या जवाब था आपका? मैं था कि सर कि एग्रोनॉमिक एग्रीकल्चर का तो मेरे को पता ही, लेकिन साथ में मैंने डेयरी टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ तो उसके बारे में मैं और बता सकूंगा। आज और अभी केसीसी है ना, एनिमल हस्बेंड्री भी अलाउ कर दी गई है, तो उस वजह से। मोहनलाल जैसे कि आप फ्रेशर हो तो एक एक्सपीरियंस पर्सन को तो पता होता है कि जो एग्जाम का प्रेशर है या वो ट्रिकी क्वेश्चन है उसको टैकल कैसे करना है या उसको प्रेशर को हैंडल कैसे करना है या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो जो एग्जाम से पहले जो उसको प्रिपरेशन के टाइम जो प्रेशर बनता है उसको कैसे मतलब हैंडल करना चाहिए एज ए फ्रेशर? सर मैं डे बाय डे मॉक टेस्ट लगा लिया था सर, जिससे मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था, 30 से 35 स्कोर आ रहा था। मैं जो अपना वहाँ एग्जाम में भी इतना स्कोर हुआ ना तो अपना आराम से डेफिनेटली एफओ में हो जाएगा सर। आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करते थे? मैं सर इतना था 40 के अराउंड करता था, 40-42 आपका क्या मानना है कि एक AFO एस्पिरेंट को किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी जो कि वो पहली बार ही क्रैक कर पाए? मैं सर ये कह पाऊंगा कि पहले तो इररिलेवेंट मटेरियल होता ना उससे बचिए थोड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर में मटेरियल बहुत ज्यादा है पढ़ने का और रिलेवेंट मटेरियल पढ़े। सेकंड चीज मैं ये बोलूंगा कि प्रॉपर स्टडी प्लानिंग होना चाहिए अपना कि 6 महीने बचे तो अपन को क्या क्या करना है। और थर्ड चीज ये बोलूंगा कि उसको मॉक टेस्ट देने चाहिए अपन को, प्री और मेंस के दोनों के मॉक टेस्ट देंगे जिससे अपना कॉन्फिडेंस है ना बूस्ट हो जाएगा सर, और उसे पता चल जाएगा कि अपनी वीकनेस कहाँ पे है तो उस वीकनेस पे अपन फोकस कर पाएंगे सर, और उस वीकनेस पे फोकस करके आपको पता जो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ बना पाएंगे सर, आपकी स्ट्रेंथ बना पाएंगे। तो चलिए मोहनलाल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम उम्मीद करेंगे कि आपको एक फ्रेशर के साथ एक एक्सपीरियंस के साथ सभी मतलब जो AFO के एस्पिरेंट है उनको आपकी जो एक छोटी सी स्टोरी है उसे हेल्प मिलेगी। चलिए थैंक यू सर।